नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। शहर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बुधवार रात 512 नए मरीज पॉजिटिव दर्शाए गए हैं। बढ़ते मरीज और लापरवाही, आम आदमी की यदि समय रहते नहीं संभाला गया तो भारी समस्या पड़ सकती है। लगभग पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस कई रूप में अपना कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 500 पार कर गया है। इंदौर सिविल सर्जन संतोष वर्मा के अनुसार बढ़ता आंकड़ा बेहद चिंतनीय है और इसी बढ़ते आंकड़े को लेकर प्रदेश के मुखिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आम जनता के हित में है और आमजन को उसको मानना भी चाहिए। वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए आंकड़ों का जिक्र किया और जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वायरस से बचाव को लेकर चलाई जा रही लगभग सभी बातों को आम आदमी माने या बात भी मीडिया से कही, सिविल सर्जन है और बात के आखिरी में आम जनता से अपील करते हुए चेताया कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। सर, बीती रात स्वास्थ्य विभाग की जो बुलेटिन थी कोरोना पर, उसमें क्या कितने मरीज निकल कर आए फिलहाल? जो प्रतिदिन हमारे यहाँ बुलेटिन जारी किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसके अनुसार कल 512 जो है वो एक्टिव केस पॉजिटिव पाए गए थे और जो निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं जैसे पिछली बार जो है वो 319 थे, वो कल 512 आए थे। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी एक गाइडलाइन जारी की है शादी और मैयत को लेकर, वो किस तरह गाइडलाइन और उसका कितना असर इंदौर शहर में आप देखते हैं? जी, अभी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो है वो निश्चित रूप से जो है एक सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। प्रशासन, शासन, सभी लोग जो है वो एक चिंतित है कि पूरे देश शासन मध्य प्रदेश में भी संख्या बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन लगभग 2 गुना होते जा रहे हैं। उसके संदर्भ में कल माननीय जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक वीसी ली गई थी और उस वीसी के अंदर जो है बताया गया कि अगर इस तरीके से निरंतर केस बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से जो है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय रहेगा। तो उसको देखते हुए अभी फिलहाल में रात की कालीन जो कर्फ्यू रखा गया है वो तो जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त शादी या कुछ समारोह होते हैं उसमें लगभग 250 लोगों की संख्या को एक निर्धारित किया गया है कि उससे अधिक संख्या में ना आए। मैयत या कहीं आरती या किसी कोई विशेष कहीं किसी की डेथ है तो उस प्रोग्राम में लगभग 50 लोगों को रखा गया है और बाकी मार्केट में अभी किसी विशेष प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो क्या लगता है सिविल सर्जन के, बाजार में जो प्रतिबंध हो किस तरीके के होने चाहिए ताकि बढ़ती चेन को रोका जा सके? जी, अभी जिस हिसाब से प्रतिदिन संख्या 2 गुना 3 गुना होती जा रही है, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये एक विस्फोटक के रूप में जो है वो हमारे सामने आएगी और वो हर किसी के लिए परेशानी का सबब रहेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं तो सरकार के कहने के अतिरिक्त हम स्वयं भी जो है उसका पालन करें। ऐसा ना हो कि हमको किसी के द्वारा कहना पड़े या रोको टोको अभियान लगाना पड़े या जो है वो किसी को रोक के जुर्माना लगाना पड़े, उसके बाद ही हम लोग जो सचेत हों। हमें स्वयं को भी जो है उसका पालन करना है, सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क भी लगाना है, सैनिटाइजर भी करना है। स्वयं के साथ साथ अपने पास में अगर कोई व्यक्ति या अपने संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको भी समझाना है, संदेश देना है कि भैया आप स्वयं भी लगाएं, परिवार को भी बचाएं और खुद को भी बचाएं, वरना था बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका परिचय? डॉक्टर संतोष शर्मा, सिविल सर्जन इंदौर।